एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसा कि नाम बता रहा है आयरन डेफिशिएंसी, तो इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एनीमिया है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे हमारा इंडिया है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। बिकॉज जहाँ ये डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ा पुअर होता है कंपैरेटिवली, और उसमें जो डाइट है, डाइट में डेफिशिएंसी और जो पुअर स्टेटस के, जो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनमें ये काफ़ी कॉमन होता है। बाकी इसके और भी बहुत सारे कॉज हैं, किसी वजह से अगर ब्लड लॉस हो रहा हो या फिर आयरन ले तो सही रहे हो नॉर्मल डाइट में लेकिन तरीके से जा नहीं रहा है, तो ये सारे के सारे इसके कॉज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये किस किस कौन कौन से जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है। तो वेजिटेरियन डाइट में हमारा लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनच, पालक जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत कॉमन पाया जाता है, या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें ये पाया जाता है। दूसरा आपका जैसे मीट है, एग है, नॉन वेजिटेरियन डाइट में उनमें ये काफ़ी मात्रा में मिलता है। और एक हमारे घरों में कल्चर होता था कि जो लोहे का तवा है उस पर हम रोटियां बनाते हैं, तो उससे भी आयरन का ना थोड़ा सा उसमें आयरन भी कंटेंट कंपैरेटिवली इसमें मिलने लगता है। तो ये हैं इसके एग, मीट, लीफी वेजिटेबल्स और ड्राइड फूड, जैसे कि आपका रेजिन्स कहते हैं हम किशमिश को, तो रेजिन्स में भी एक इसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये जो कॉजेज हैं इसके, इनके कॉजेज को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है इसका कॉज, वो है डिक्रीज इनटेक, यानी कि खाने में ही अगर किसी वजह से कम जा रहा है तो वो आयरन डेफिशिएंसी कर सकता है। खाने में नॉर्मल जा रहा है लेकिन इनटेक डिमांड बहुत ज़्यादा है। कुछ टाइम ऐसे होते हैं लाइफ में, जैसे प्रेगनेंसी है या फिर छोटे बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, उनमें ये डिमांड ज़्यादा है और ले रहे हैं नॉर्मल तो भी ये चांसेस हो सकते हैं। इंक्रीज लॉस, अगर किसी वजह से कहीं से भी बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लड का लॉस बहुत एबनॉर्मल है और बहुत ज़्यादा है तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कर सकता है। या फिर सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी हम GIT से, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अगर कम हो रहा हो तो भी ये ब्लड में कम जाएगा और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इन चार पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अब इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है डिक्रीज इनटेक, तो या तो अगर ऐसा है कि पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है या फिर उसको जो फैमिली है उसको आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी आयरन कंटेनिंग चीज़ें हैं, या तो जैसे कि आपका लो आयरन रिच फूड अगर ये कोई लेता है तो भी इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर जो लोग जंक फूड्स खाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बर्गर और आपका सैंडविच, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो पिज़्ज़ा हो गया आपका, इन सब चीज़ों में क्या है कि सब कुछ ये इतना ज़्यादा बॉयल हो जाती हैं चीज़ें, और बाहर की चीज़ें होती हैं उनमें खुद ही सब्ज़ियाँ कम होती हैं, आयरन की डेफिशिएंसी के होने का काफ़ी चांस होता है। दूसरा, मिल्क फेड इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल तक के, इन्फेंट्स जो हैं जिनमें सिर्फ मिल्क ही जा रहा है, क्योंकि मिल्क में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए कहते हैं कि शुरू के 6 मंथ्स, अभी WHO कहता है कि 6 मंथ्स तक सिर्फ पानी देना होता है और मदर का दूध देना होता है, उसके बाद में इसमें हम धीरे धीरे चीज़ें ऐड करने लगते हैं, तो उनमें हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि ऐसी चीज़ें भी ऐड करें जिनमें आयरन का कंटेंट कुछ ठीक ठाक कंसनट्रेशन में हो। सो मिल्क फेड इन्फेंट्स और लो प्रोटीन रिच डाइट या फिर पुअर पीपल, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब में ये इनटेक कम होता है, इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन होती है। उसके बाद आता है इंक्रीज डिमांड। अब ये क्या है कि प्रेगनेंसी में आयरन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको खुद भी चाहिए और जो डेवलपिंग बेबी है उसको भी आयरन चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, या फिर ग्रोइंग चिल्ड्रंस जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी ग्रोथ के लिए हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर या तो आप इनटेक बढ़ा दीजिए, अदरवाइज उन बच्चों में, उन मदर्स में आयरन डेफिशिएंसी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी स्टेटस काफ़ी सुधर गया है क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसमें एंटीनेटल चेकअप होता है, तो उस चेकअप के टाइम पे अभी जो हमारे देश में लेडीज़ हॉस्पिटल्स में जाने लगी हैं, इसलिए उनमें वहाँ पर आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। तो आयरन और फॉलिक एसिड, इसकी टैबलेट्स जो हैं लेडीज़ को दी जाती है। इवन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रेगनेंसी कंसेप्शन से पहले भी अगर वो प्लान कर रहे हैं तो भी देना शुरू कर देते हैं, और अगर वो प्लान कर चुके हैं तो शुरू के 3 महीने फॉलिक एसिड देते हैं, उसके बाद आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। तो आयरन की टैबलेट्स का सप्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ग्रोइंग चिल्ड्रन,
अभी ये भी बात आई है कि जो स्कूल के बच्चे हैं छोटे, उनमें आयरन को, आयरन के टैबलेट्स को गवर्नमेंट सप्लीमेंट्स कर रही है, तो क्यों, जिससे कि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी के चांसेस कम हो जाए। इंक्रीज लॉस किसी भी बॉडी के किसी भी ऑरिफिस से, कहीं भी अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो एबनॉर्मली हाई है, तो धीरे धीरे क्रॉनिक लॉस होते होते आयरन की डेफिशिएंसी कर देती है। जैसे अगर हम मान लें हमारे ऑरिफिसेस को याद रख लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, उसको हम कहते हैं इपिस्टैक्सिस। सो इपिस्टैक्सिस इज़ अ नेजल ब्लीडिंग, ये आपकी ब्लीडिंग हो रही है कहाँ से, नोज से, नोज से ब्लीडिंग हो रही है उसको इपिस्टैक्सिस कहते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। हीमोप्टेसिस, हीमोप्टेसिस है ब्लीडिंग इन कफ, अगर कफ में ब्लड थोड़ा बहुत आता है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर लगातार हो रहा है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में भी कफ के साथ में ब्लड आता है, या कोई और कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, मतलब जहाँ पे भी एबनॉर्मल ब्लड आए किसी भी वजह से, तो वो आपका जैसे ब्लड इन कफ हीमोप्टेसिस है, ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कारण हो सकता है। फिर है पाइल्स, पाइल्स क्या है, हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स भी कहते हैं पाइल्स को। इसमें क्या होता है कि एनल कैनाल के पास में वहाँ पर कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, मतलब वो फूलने लगती हैं और वो कुछ मतलब हेमरॉइड्स बनाती हैं, स्ट्रक्चर्स टाइप बनाते हैं, जिनसे जब ब्लैटिन करते हैं उसके टाइम पे ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये ब्लीडिंग अगर लगातार होती रहे और उसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कर सकता है। वर्म, छोटे बच्चों में हुकवर्म इन्फेक्शन काफ़ी होता है कॉमन, और वो धीरे धीरे ब्लड लॉस होता है, कई बार आपको हिस्ट्री में भी पता नहीं चलता कि ब्लड लॉस हो रहा है, और वो भी ये आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कर सकता है। इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, नॉर्मल ब्लड लॉस तो होता ही है, पर अगर ये बहुत ज़्यादा हो किसी भी मेंस्ट्रुअल, या तो हार्मोनल एबनॉर्मलिटी से या कोई और अदर एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, वो धीरे धीरे अगर लॉस होता जा रहा है एवरी मंथ और उसका सप्लीमेंटेशन नहीं लिया जा रहा है, तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कर सकता है। इंक्रीज लॉस इन चाइल्ड बर्थ, जैसे होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या उसके बाद में अगर ब्लड लॉस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कर सकता है। एक मेडिसिन है एस्पिरिन, जो हम पेन के लिए ले लेते हैं, और ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, मतलब प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देती, तो उसकी वजह से क्या, अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे ब्लड लॉस कर सकती है और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करा सकती है। फिर है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी, यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से, अगर ट्रैक्ट से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होता है अगर वो एबनॉर्मल हो रहा हो किसी वजह से, या तो कोई जीआईटी की खुद की डिजीज़ हो, ठीक है, या तो वहाँ पर जैसे एब्जॉर्प्शन, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जिनको बोलते हैं, या फिर सिलियक डिजीज़ एक एग्जाम्पल है, सिलियक डिजीज़, तो उसमें इन केसेस टाइप के डिजीज़ में जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण है। तो इन डिक्रीज इनटेक, इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज लॉस या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ये सारे के सारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण हो सकते हैं, और ये हमारे देश में काफ़ी कॉमन होता है लेडीज़ में और स्पेशली बच्चों में। उसके बाद अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए तो कैसे पता चलेगा, मतलब पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे, यानी वो पेशेंट क्या बताएगा, उसको कैसा फील होगा, क्या सिम्टम्स होंगे, तो इन पर ज़रा नज़र डालते हैं। तो सिम्टम्स जो है, सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि उसको थकान लगी रहती है, वीकनेस होती है बहुत जल्दी, चक्कर आने लगते हैं, बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने में कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, या फिर बड़ा भी है तो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कामों में कम रहती है, उसको थका थका महसूस होता है। तो फटीग इसका कॉमन सिम्टम है, वीकनेस, पेल स्किन, स्किन अगर आप देखें तो पीली होने लगती है थोड़ी सी, मतलब ऐसा लगता है कि जो रेडिशनेस है, नॉर्मल रेडिशनेस होती है स्किन में, वो कम हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था इसके लिए हम आयरन को के कमी को देखने के लिए क्या देखते हैं, पैलोर देखते हैं। पैलोर क्या होता है, पैलोर होता है एनीमिया को देखने के लिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो या कोई भी एनीमिया हो, उसको हम लोअर पैल्पेबल कंजक्टिवा, जो ये हमारी आईलिड है इसको नीचे करते हैं, मैंने आपको बताया था इसको नीचे करते हैं ऊपर देखते हैं, तो हम इसको में पैलोर चेक करते हैं। यहाँ पर अगर रेडिशनेस है इसमें तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है हीमोग्लोबिन, अगर कम है तो एनीमिया है। तो इसमें हमें आपको पैलोर भी मिल सकता है, और नॉर्मली जो स्किन है वो आपकी थोड़ी पेल स्किन मिलेगी। डिजीनेस, उसको लगता रहता है कि चक्कर आ रहे हैं, ये भी एक वीकनेस का रीज़न है। ऐसा क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारे हमें जो हीमोग्लोबिन है हमारा, आयरन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में बाहर से प्योर ऑक्सीजन जा रही है, बाहर से जो ऑक्सीजन जा रही है वो फेफड़ों में के पास में जो कैपिलरीज फैली हुई हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि ये फेफड़े हैं आपके, तो इन फेफड़ों में यहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है, यहाँ इसके पास पास में कैपिलरीज हैं, यानी ब्लड वेसल्स की ब्रांच है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड बह रहा है यहाँ पर,
जो इसके आसपास चारों तरफ इसको घेरे रखते हैं लंग्स को। तो ये ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से फेंक दी जाती है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर बाइंड हो रही जा रही है यहाँ पर, वो कुछ तो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और कुछ वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में रहती है। तो दो फॉर्म में रहती है, हीमोग्लोबिन के साथ और प्लाज्मा में। अब अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, जितने कैपेसिटी से उसको ऑक्सीजन को बाइंड करना चाहिए, वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अब हमारे टिश्यूज़ को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन कम मिल पाती है, तो इसलिए हमें चक्कर लगा रहता है। टिश्यूज़ को, सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, तो हमें थकान लगती रहती है बॉडी में। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती हैं। ब्रेन को भी चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी होने लगता है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो, लॉस तो प्रॉपर लॉस हो गया, आप इसको लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, दैट्स अ बेटर वर्ड। सो डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, कितना कम है हीमोग्लोबिन, कितना आयरन कम है, उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, अर्ली ब्रेथलेसनेस, चल सांस फूलता है क्योंकि कमजोरी है, ऑक्सीजन कम मिल रही है, थोड़ा सा चलते ही सांस फूलने लगता है, अर्ली ब्रेथलेसनेस होती है। पैल्पिटेशंस, धड़कने भी बढ़ने लगती है। धड़कने क्यों बढ़ती हैं, होता क्या है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। अब आयरन कम है, अगर आयरन अगर आपके पास कम है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, तो उसके साथ जो ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऑक्सीजन भी काफ़ी कम है। अब ब्लड, हमारा जो हार्ट है उसका क्या काम है, ब्लड को पंप करता है, जिससे कि पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी जाती है। अब अगर ऑक्सीजन जो है कम है, तो उसको फेंकने के लिए ब्लड को बार बार फेंकना पड़ेगा, जल्दी जल्दी फेंकना पड़ेगा हार्ट को, और बहुत ज़्यादा प्रेशर से फेंकना पड़ेगा टू कंपनसेट दिस लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन। इसलिए हार्ट भी धड़ाधड़ धड़कता है और वो पैल्पिटेशन का फॉर्म, आदमी का ऐसा लगता है यार बहुत जोर से धड़क रहा है, तो खुद को धड़कन फील होने लगती है, घबराहट लगती है, सो पैल्पिटेशन है। सीवियर केस अगर हो जाए, तो क्योंकि हर्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए हर्ट एनलार्ज हो सकता है, तो एनलार्जमेंट ऑफ हर्ट हो सकता है। और अगर बहुत सीवियर एनीमिया हो जाए और उसका ट्रीटमेंट टाइमली ना लिया जाए, तो हर्ट का फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि वो उतना काम कर ही नहीं पा रहा है, तो हर्ट का फेलियर भी हो सकता है। इसलिए सीवियर केस में एनलार्ज हर्ट एंड हर्ट फेलियर हो सकता है। और उसमें ये मिलते हैं सीतों के सिम्टम्स, यानी जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रही, सिम्टम हो रही है, साइन क्या मिलते हैं, साइन क्या होते हैं और सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है, विच पेशेंट टेल्स यू, एंड साइन क्या होते हैं, विच ए क्लिनिशियन सी, जो डॉक्टर देखता है वो है, वो क्लिनिशियन है, तो वो देखता है कि हाँ क्या क्या उसमें दिखाई दे रहा है, जिससे वो एक डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। तो इनकी जो टंग है वो एंग्री रेड टंग होती है, बहुत ही लाल रंग की जो है ना, और बहुत लाल सुरख जो है रंग, इसमें टंग दिखाई देती है। इनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत ड्राई और ब्रिटल होते हैं, बहुत जल्दी टूटने वाले होते हैं, और स्पून शेप होते हैं। जैसे मान लिया ये नेल है, तो नॉर्मल जो नेल अगर ऐसा रहेगा, इसमें नेल थोड़ा सा ऐसे दबा रहता है, तो ये जो है स्पून शेप, जैसे चम्मच होती है, ये थोड़ा दबा रहता है, स्पून शेप के नेल इसमें होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और जो आपका नेल है इसमें, इसमें लेटर ऑन कंडीशन में क्या होता है, इसमें स्ट्राइशंस होने लगते हैं, ऐसे आपको लाइनें दिखाई देने लगती हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशन। तो नेल में इसमें फीचर्स मिलती है, स्पून शेप नेल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइशंस, और टंग है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर, एंग्री रेड टंग, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको, ब्लड का अगर टेस्ट आप कराओगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस टाइप का एनीमिया है, जो हमने एनीमिया की नॉर्मल जो एक वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक मतलब अगर ये नॉर्मल आरबीसी का साइज है, तो इसमें छोटा होता है, यानी कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। सेल्स जो है शेप उसमें जो है माइक्रोसिटिक होती है साइज़ की, अगर हम बात करें। हाइपोक्रोमिक मतलब अगर हम एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर अगर इतना हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल जो सेल होती है उसमें हीमोग्लोबिन बाकी सारे में होता है, सेंट्रल जो एरिया है वो वाइट, थोड़ा वाइट दिखाई देता है, जिसको हम सेंट्रल पैलोर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जो आपकी नॉर्मल आरबीसी की शेप है वो बाइकॉनकेव शेप होती है, और उसमें बीच में से दबा रहता है, दोनों तरफ से वो रहता है एक्सपेंडेड। तो इसमें जो है ये आपका हीमोग्लोबिन भी, एक तो सेल छोटी है, ऊपर से हीमोग्लोबिन कम है, मतलब बीच वाला जो वाइटिश एरिया है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। फिर अगर इसमें आप देखेंगे, दो टेस्ट हैं, MCV एंड MCH। MCV का फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज MCV, मतलब एक सेल का एवरेज साइज क्या है वो MCV कहलाता है। तो ऑब्वियसली हमने कहा छोटी होती है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। MCH क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर
हीमोग्लोबिन यानी MCH। तो MCH क्या है, एक सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है एवरेज, उसको हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो कम हो जाएगा। तो MCV और MCH दोनों ही इसमें कम हो जाते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ RBC क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। RBC जो बनी हुई है वो नॉर्मल रहती है, इसमें जल्दी से RBC नहीं टूटती, मतलब हीमोलाइसिस में नॉर्मल ही रहता है। तो लाइफ स्पैन नॉर्मल रहेगा, WBC और प्लेटलेट्स भी नॉर्मल रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एंड MCV MCH, ये भी नॉर्मल रहेंगे। सीरम का आयरन कम हो जाएगा ऑब्वियसली, और हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाएगा। और एक चीज़ होती है फेरेटिन। फेरेटिन क्या चीज़ होती है, फेरेटिन आयरन का स्टोर फॉर्म है, यानी आयरन जिस जो स्टोर रहता है वो फेरेटिन के फॉर्म में रहता है। तो अगर आयरन बॉडी में कम है तो स्टोर भी कम होगा, तो इसलिए फेरेटिन भी इसमें कम हो जाएगा। फेरेटिन कम का मतलब है लो आयरन स्टोर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें मिलती है, और इनके केस में हम ये जो है ये तो आपको स्मियर में मिलेगा, इसको बोलते हैं पेरीफेरल स्मियर की फाइंडिंग है। पेरीफेरल स्मियर क्या होता है, मैंने बताया भी था लास्ट उसमें, अगर आप दो स्लाइड लें, यहाँ पर ब्लड डालें, एक स्लाइड ऐसे आपको तिरछी करके रखें, टच करके आप इसको ऐसे फैला दें आगे को, तो आपको क्या मिलेगा, ये ब्लड जो है पूरे में ऐसे फैल जाएगा। और उसमें हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, इसको हमें कुछ जो आपको डाइज होती हैं जिनसे कलर करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको डिफरेंट सेल्स दिखाई देती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो जो RBC हैं वो आपको छोटी दिखाई देंगी, और उनमें ये सेंट्रल पैलोर एरिया बढ़ा हुआ होगा, या ये कह सकते हैं हीमोग्लोबिन कम उसमें होगा। तो ये पेरिफेरल स्मियर की फाइंडिंग है, ये आप इसमें इन्हें हम ब्लड इंडिसेस कहते हैं, ये जो है ना ये है ब्लड इंडिसेस। फिर आप ये सारे के सारे और चीज़ें करा सकते हैं, सीरम आयरन, हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, ये सब आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आयरन का देख लेते हैं कि डायग्नोसिस क्या है। फिर ये आता है आपका ट्रीटमेंट। फाइनली ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ मोटा मोटा जानना है कि ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन की टैबलेट्स दे दी जाएंगी। ठीक है, आयरन की टैबलेट्स का क्या होता है कि इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है, ठीक है, ब्लैक स्टूल, तो ये भी पेशेंट को बताना जरूरी है कि भाई ब्लैक स्टूल इसका एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयरन थोड़ा सा स्टूल में भी आता है। और इसके साथ में हम विटामिन सी का सप्लीमेंट्स भी देते हैं, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, ठीक है, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं अलग से। इसका क्या फ़ायदा है, ये आयरन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है, इसलिए आयरन की टैबलेट दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आयरन कम है तो, या बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, बहुत ज़्यादा आयरन कम है, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ता है, जो यानी कि ब्लड चढ़ाना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा कम है तो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन में ये है क्योंकि जिन में जैसे कि जो आपका जैसे बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें हम आयरन का सप्लीमेंट देते हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनको फाइंड आउट करके हम वहाँ पर जो है इसका सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। फिर जो पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं उनको हम इनका सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, जिससे कि प्रिवेंशन हो जाए इसका। और जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो कॉज है, जैसे हुकवर्म इन्फेस्टेशन है तो वर्म का ट्रीटमेंट करो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल लॉस है तो हार्मोनल जो ट्रीटमेंट होगा, या कोई अबनॉर्मलिटी है, मतलब जो कॉज है उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप दे सकते हैं कि एक तो आप आयरन टैबलेट देते हैं, दूसरा विटामिन सी देते हैं, तीसरा आप इसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और चौथा जो चीज़ है वो आपका, बल्कि प्रिवेंशन फोर्थ पे आएगा, थर्ड पे आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, जिसकी वजह से हो रहा है वो, और फिर फोर्थ पॉइंट पे आप इसका प्रिवेंशन लिख सकते हैं कि कैसे इसका प्रिवेंट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। थैंक यू सो मच।